हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चॉइस लुक बुक। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक रहा लाइनर लुक शेयर करूंगी, एंड इसके लिए मैं यहाँ पे लैक्मे का इंस्टा लाइनर ले रही हूँ। सबसे पहला जो लुक है, इसके लिए आपको अपना अपर लैश लाइन के इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक एक थिन लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से बहुत ही पतला सा लाइन आपको ड्रॉ करना है, एंड दैट इज़ आवर फास्ट बेसिक सा सिंपल सा लाइनर लुक। और सेकेंड लुक के लिए आपको इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और एक बहुत ही सिंपल सा एक विंग्स क्रिएट करना है। इस तरीके से पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको इस तरीके से लाइन को जॉइंट कर देना है एंड देन फिल कर देना है। और इनर कॉर्नर पे भी आपको इस तरीके से इनर कॉर्नर को थोड़ा सा इन्हेंस करना है इस तरीके से। एंड गाइस, दैट इज़ अवर सेकेंड ब्यूटीफुल आईलाइनर लुक, एंड दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट लाइनर लुक। सो उसके बाद जो थर्ड लुक है, उसके लिए आपको पहले इनर कॉर्नर को और थोड़ा सा इस तरीके से आउटलाइन कर लेना है, और आपको लोअर लैश लाइन पे इस तरीके से काजल अप्लाई करना है। और मैं यहाँ पे मार्स का काजल अप्लाई किया है, आप कोई भी काजल अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। एंड हमारा जो फोर्थ लाइनर लुक है, उसके लिए आपको एक काजल लेना है, और इस तरीके से आपको पहले पतला सा लाइन इस तरीके से स्मच करना है अपर लैश लाइन पे एंड लोअर लैश लाइन पे इस तरीके से स्मच करना है। उसके बाद आपको फिंगर के हेल्प से आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा ब्लेंड करना है आपको। तो इस तरीके से दोनों लैश लाइन को थोड़ा सा ब्लेंड करना है, एंड दैट इज़ अवर फोर्थ लाइनर लुक। फिफ्थ लाइनर लुक के लिए आपको इस तरीके से पहले लाइन ड्रॉ कर लेना है अपर लैश लाइन के पास, इस तरीके से थोड़ा सा थिकली आपको अप्लाई कर लेना है, एंड सेम प्रोसेस आपको लोअर लाइन पे भी अप्लाई करना है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे फोर्थ लाइनर लुक के ऊपर ही इस लाइनर को अप्लाई कर रही हूँ, बट आप क्लीन आइस पे भी कर सकते हो, एंड सेम प्रोसेस आपको लोअर लाइन पे इस तरीके से कर लेना है। सो यस गाइस, दैट इज आवर फिफ्थ ब्यूटीफुल बोल्ड लाइनर लुक। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लाइनर लुक है, उसके लिए आपको इस तरीके से पहले इनर कॉर्नर को इस तरीके से इन्हेंस कर लेना है, और उसके बाद आपको इस तरीके से आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से एक पिक लाइन ड्रॉ करना है, एंड लोअर लाइन से उस लाइन को इस तरीके से जॉइन करना है एंड एक विंग्स क्रिएट करना है। एंड ये जो लाइनर लुक है, ये ब्राइडल लाइनर लुक है। आप कोई भी ब्राइडल लुक के लिए इस लाइनर को ट्राई कर सकते हो, एंड इस तरीके से आपको फिल कर देना है एंड कुछ इस तरीके का एक बिग विंग्स ड्रॉ कर लेना है और फिल कर देना है अच्छे से सब कुछ। और उसके बाद आपको अपर वाटर लाइन पे इस तरीके से काजल अप्लाई करना है, एंड अपर लाइन पे एंड लोअर लाइन पे ऑल्सो इनर कॉर्नर पे भी आपको काजल बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, एंड दैट इज़ योर बोल्ड ड्रामेटिक ब्राइडल लाइनर लुक।